व्यक्ति विशेष तौर पे शाहपुर थाना अंतर्गत दिनांक 28/11 को पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में जो उनकी पत्नी है पार्षद सदस्य, उनके हत्या को लेके जो घटना घटित हुई थी उस संदर्भ में था। जो उस घटना में सीसीटीवी फुटेज के आधार पे और स्थानीय जो वहाँ हमारे लोग थे उनके दी गई सूचना के आधार पे जो रेसिडेंट थे उनकी पहचान की गई थी और पहचान को सुनिश्चित करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें इस जिले के कई थानाध्यक्ष को शामिल करते हुए डीआईयू की विशेष टीम को भी रखा गया था और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीरो को भी ये दायित्व तो दिया गया था। जो जिले के मोस्ट वांटेड है उन्हीं में से एक तिवारी यादव का नाम आया था शूटर के तौर पे। उसकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद ये टीम लगातार तकनीक के आधार पे आसूचनाएं एकत्रित कर रही थी और उस व्यक्ति और अभियुक्त के विरुद्ध कई जगह पे निरंतर छापामारी की गई, जिसमें कल उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता टीम ने प्राप्त की है। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त, जैसा उसने बताया है उसके आधार पे घटना में प्रयुक्त जो पिस्टल है, उस पिस्टल की विशेषता यह थी कि बहुत ही कम चंद सेकंड में कई राउंड की फायरिंग जो है उसमें सक्सेसफुल की जा सकती है। जैसा मृतक के बदन पर भी 3 फायरिंग और उसके बाद फिर बैक टू बैक 2 फायरिंग और करने का 5 फायरिंग 4 से 5 सेकंड के अंदर में करने की पुष्टि हुई थी। तो वो पिस्टल भी बरामद किया गया है, खोके उसके बरामद हैं और 1.89 केजी गांजा भी उसके पास से जहां वो रहता था इस जगह पे उसी जगह से गांजा भी बरामद किया गया। हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण सुपारी है। जेल के अंदर से जो कुछ लोग जो पूर्व में जो वैमनस्यता चल रही थी उस जगह पे, इसमें चुनाव का भी कुछ अंश जरूर है जिसकी तहकीकात की जा रही है और उसमें और भी जो तकनीक आधारित चीजें आएंगी तो आगे हम लोग इनमें कुछ लोगों को रिमांड भी करेंगे। कितने की सुपारी दी गई? इसमें अभी तक उसके द्वारा जो पुष्टि की गई है जो उसके नॉलेज में है 3 लाख का उसने बताया कि उसके नॉलेज में है। बाकी अभी जो और भी लोग इसमें गिरफ्तार होने शेष हैं तो उसके बाद कुछ और खुलासे इसमें हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उस व्यक्ति की हत्या किए जाने के पीछे कई दिनों से साजिश चल रही थी और घटना के दिन स्थानीय बाजार में भी जब वो थोड़े समय के लिए मृतक अपने घर के सामने आए थे दिन के समय में करीब 2:10 के आसपास में उनको वहीं से लाइन दिया गया था और इसका कनेक्शन सीधा जेल से ही स्थापित हो रहा था। इसके बाद जेल में भी छापामारी पुलिस के द्वारा की गई थी और उस कनेक्शन में कुछ मोबाइल भी बरामद किए गए थे। उस मोबाइल में उसका भी एग्जिबिट है हम लोगों के पास, जिसके जरिए बाहर से संपर्क स्थापित किया गया था। वो भी एक षड्यंत्रकारी जो अंदर बंद है उसको इसमें किया गया था। हाँ, इसमें पुष्टि हुई है जरूर उसके। और इसमें जिन लोगों के द्वारा घटना को कारित करने के लिए इसमें षड्यंत्र किया गया उसमें मल्टीपल लोग आए हैं। जेल के अंदर में 4 लोगों की संलिप्तता इसमें आई है और जेल के बाहर से भी, तो उस पर अनुसंधान अभी पुलिस कर रही है। एक प्रमुख और जो एक्सीडेंट के साथ में जो राइडर था जो गाड़ी चला रहा था और जो लाइन दिया जा रहा था तो उन लोगों की भी गिरफ्तारी की गई। राइडर की गिरफ्तारी अभी शेष है। इसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया है ये व्यक्ति पहले से भी कई कांडों का वांछित था, जिसमें एक हत्या का कांड था, एक हत्या के प्रयास को लेकर था, सरेआम बाजार में उसमें भी फायरिंग किया था। तो ये भोजपुर जिले के लिए मोस्ट वांटेड की गिरफ्तारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया। इनके गिरफ्तारी से कई और जो आने वाले टाइम पे कोई और घटनाएं थी उसको मतलब निरोध करने में भोजपुर पुलिस को सफलता भी मिली है। सर, जिनकी हत्या हुई क्या उनका भी कुछ रहा है क्या, अपराधियों के साथ कोई संबंध पहले से चाहे कुछ भी इस तरीके का? नहीं, जो मारने वाले अपराधी हैं उससे कोई डायरेक्ट संबंध स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है उससे संबंध स्थापित है और उससे उनकी कोई ना कोई दुश्मनी उसमें रही है और किसी न किसी तरीके से आपराधिक घटनाओं में संलिप्त किए जाने कराए जाने के बिंदु पर भी ये बातें आई हैं। लेकिन वो अनुसंधान का तथ्य है जिसको हम लोग और भी बेहतर तरीके से साक्ष्य के आधार पर लाएंगे। इसमें दूसरा घटनाक्रम हमारा गिधा में चल रहा है। 18 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ है, 4 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद, 3 नगर पंचायत और 1 नगर परिषद क्षेत्र में। उस दौरान गिधा ओपी अंतर्गत विशेष सूचना पर विदेशी शराब की बरामदगी की गई थी, जिसमें
उत्तर प्रदेश के चंदौली से शराब लाए जाने की पुष्टि हुई। दो व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया था और करीब 768 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी है। एक जीपीएस युक्त वाहन भी उसमें बरामद किया गया था और इस घटना में जो बैकवर्ड लिंकेजेस आए हैं हम लोगों के, उस पर भी पुलिस कार्य कर रही है। इस अवधि में भोजपुर पुलिस के द्वारा अवैध बालू खनन को लेकर भी जो ड्राइव चल रही है जिला प्रशासन और खनन विभाग के माध्यम से, तो इसमें हम लोगों ने अब तक कुल 14 कांड दर्ज किए हैं। 80 ट्रक, 52 ट्रैक्टर, 4 हाईवा, 1 कार को बरामद करते हुए 17 गिरफ्तारियां अब तक की गई हैं। चौथा जो मुख्य हम लोग का है कि जो हत्या के कांडों में जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं उसकी दबिश के कारण अभी तक इस महीने में कुल 6 प्रमुख हत्याकांडों के अभियुक्तों ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, जिनमें से 4 घटनाएं 2022 की हैं और 1 18 और 21 की घटनाएं हैं।